लोकसभा चुनावों से पहले 17 सितंबर को भारतीय मजदूर संघ शिमला में शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है ताकि अपनी लंबित मांगों को लेकर सरकार पर दबाव बनाया जा सके। मजदूर संघ का कहना है कि तबादला करवाना हमारी नीति नहीं बल्कि कर्मचारियों का उत्पीड़न रोकना हमारी नीति है। ये भारतीय मजदूर संघ के प्रदेश उपाध्यक्ष व अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ कांगड़ा के अध्यक्ष मदन राणा ने जसूर में एक पत्रकार वार्ता के दौरान कही। राणा ने कहा कि आज विभाग के पास ना तो फील्ड स्टाफ द्वारा काम करने हेतु प्रयोग में लाया जाने वाला सामान उपलब्ध है, ना ही विभाग के पास स्टाफ है, जिससे कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। उन्होंने प्रदेश सरकार से मांग की है कि प्रदेश की आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर को सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए। वह जब तक सरकार उन्हें सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं करती है, उन्हें न्यूनतम 18,500 का मासिक वेतन दिया जाए। उन्होंने सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम की बहाल करने की मांग भी की है। मदन राणा ने प्रदेश सरकार मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने बिना मांगे कर्मचारियों की 18 करोड़ की वित्तीय लाभ दिए हैं। वह प्रदेश सरकार कर्मचारी हितैषी है, लेकिन कर्मचारियों की अभी भी काफी मांगे लंबित पड़ी हुई है, जिसके चलते 17 सितम्बर को संघ शिमला में विशाल शक्ति प्रदर्शन करने जा रहा है, जिसमें जिला कांगड़ा से 10,000 संघ के सदस्यों के जाने की उम्मीद जताई जा रही है। इससे पहले जसूर जन स्वास्थ्य विभाग के विश्राम गृह में संघ के सदस्यों की जिला सह सचिव पुरुषोत्तम शर्मा की अध्यक्षता में एक बैठक की व 17 सितंबर को होने वाली रैली के लिए रणनीति भी बनाई गई। इस बैठक में मजदूरों की मांगों को लेकर SEIPH विभाग को एक मांग पत्र सौंप कर भी विचार विमर्श किया गया। आज हमारे सर्कल नूरपुर की IPH कर्मचारियों की जो पदाधिकारी उनको बुलाया गया था, आज उनकी बैठक थी। ये कर्मचारियों की जो छोटी मोटी समस्याएं हैं, जैसे फील्ड में रेंच नहीं है, डाई नहीं है, या पंप हाउसों की बहुत दुर्दशा है, गिरने की कगार पे हैं, कोई नीचे भी आ सकता है, ऐसे छोटे मोटे जो जो भी समस्या ऐसी लेवल की है, वो आज एक मांग पत्र तैयार किया गया है, वो ऐसी को दिया जाएगा और ऐसी के साथ बैठ करके उसको हल कराया जाएगा। 17 नवंबर को दिल्ली में बहुत बड़ा प्रदर्शन भारतीय मजदूर संघ ने दिल्ली में किया है, और हम प्रदेश की सरकार से मांग करते हैं कि ये आशा वर्कर, ये आंगनबाड़ी वर्कर, इनकी कोई एक सरकार कोई पॉलिसी बनाए, कोई नीति बनाए और इनको सरकारी कर्मचारी घोषित किया जाए, और जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनको 18,500 रुपया न्यूनतम वेतन दिया जाए। इसके साथ हम धन्यवाद करना चाहते हैं माननीय इस विभाग के मंत्री हैं, अपने आंगनबाड़ी का क्या संबंधित मंत्री का उन्होंने केंद्र को जो प्रस्ताव भेजा है कि आंगनबाड़ी का जो वेतन उसकी जो सिफारिश इन्होंने की है 10,000 रुपए की, वर्कर का वेतन 10,000 रुपये होना चाहिए, हम उनका धन्यवाद करते हैं। परंतु हम प्रदेश सरकार से ये मांग करते हैं कि जैसे हमारा पड़ोसी राज्य पंजाब है, हरियाणा है, उत्तराखंड है, अगर उत्तराखंड और पंजाब में उनका न्यूनतम वेतन 10,000 रुपये उनकी वहां की सरकारें दे रही है, तो हमारी हिमाचल प्रदेश की सरकार जब तक इनको सरकारी कर्मचारी घोषित नहीं किया जाता तब तक इनका वेतन उस राज्यों की तर्ज पे दिया जाना चाहिए, जो हमारी मांग है प्रदेश सरकार से।